के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों और उद्योगपतियों से खास मुलाकात की। यूपी में होने वाले 10 से 12 तक इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर सीएम योगी मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने बोनी कपूर, सोनू निगम, सुनील शेट्टी जैसी तमाम सितारों से मुलाकात की। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में मैं रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। I know that. I know I've been spoken this earlier also during my interviews of Bubbly Bouncer, India Lockdown. I think these kind of things definitely is there, and there's no two way denying it, and it doesn't, definitely it's dent the prospect of the box office also. Let's not be say, you know, it doesn't dent the prospect of that, because social media is there and definitely this thing is there, but I think this phase will also go in some time. I hope so. And good film will be definitely there. People will go and watch the movie, appreciate the film, and people will watch the movie. क्या expectations है, क्या इसको लेकर के भी discussion हुआ कि कौन कौन से challenges state के सामने जिसको complete किया जा सकता है, या Bollywood क्या कोई जो road map है उसको लेकर भी कुछ बातचीत? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारा काम है इस समय, और जितना काम जितनी अगर फिल्म उद्योग और बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और यूपी का अगर फिल्म सिटी वहाँ पे स्थापित होती है तो इससे रोजगार और बनेंगे और ज़्यादा स्कोप होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर हो गया ओटीटी फिल्मों और फिल्मों का जितना भी काम है उसकी वजह से जगह की कमी है, लोगों की कमी है। तो ये इंडिया इस समय बहुत अच्छे समय से गुजर रहा है इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसके लिए अगर यूपी में इस तरह की इंडस्ट्री खुलती है तो लोग उसका वेलकम ही करेंगे। जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या जब खुद एक चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट का वो सामने आकर के जब इस तरीके से बातचीत करते हैं तो कितना आसान हो जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बिजनेस करना? नहीं, जरूर जरूर, अगर कोई नेता है जो मेन सबसे इंसान पहला नागरिक है एक राज्य का, वो खुद आके इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो चीजें बहुत आसान। आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के लिए आने वाला वक्त जो है वो कैसा हो, इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया गया होगा, इस पूरी मीटिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं, आप इस पर क्या गया? मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं यूपी सरकार को और योगी सरकार को जब मैं प्रगतिशील देखता हूँ कि वो हिंदी सिनेमा के बारे में भी सोचते हैं और फिल्म सिटी बना रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा स्थान बना रहे हैं और सब चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी वहाँ इस्टेब्लिश हो, और सभी प्रांतों के जो सरकारें हैं वो आज सिनेमा की महत्ता को समझती हैं, उसी तरह से यूपी सरकार भी समझती है, जिससे कि हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को एक बहुत बड़ी महत्ता मिलेगी। तो इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए मेरा नाउ।